नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने आए हैं पावर ट्रैक यूरो 47, जो कि एक 47 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। तो आज हम जानेंगे इसके सभी टेक स्पेसिफिकेशन, क्या है इसके खासियत और इसकी कीमत के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। इसमें आपको सिंगल पीस बोनेट देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ से खोल सकते हैं। इसका बोनेट आपको दो हाइड्रोलिक रॉड के साथ देखने को मिलता है। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें आपको 2761 CC का 3 सिलेंडर इंजन AVL टेक्नोलॉजी के साथ दिया हुआ है। और इसमें हमें फ्यूल सप्लाई के लिए बॉश का इनलाइन पंप देखने को मिलता है। बात करें इसके पावर आउटपुट का, तो इसमें हमें 47 HP का पावर पूरे 2000 इंजन रेटेड RPM पर मिल जाता है। और इसमें हमें लगभग 197 Nm का टॉर्क मिलता है। अगर टॉर्क को आसान भाषा में समझे तो उसका मतलब, जितना ज़्यादा टॉर्क होगा ट्रैक्टर उतना ही आसानी से किसी चीज़ को खींच सकता है। और यहाँ पर आपको ये इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये हीट प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। और ये दूसरे साइड का भी आप देख सकते हैं। बात करें इसके एयर फिल्टर का, तो इसमें हमें 3-स्टेज ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात करें इसके कूलिंग सिस्टम का, तो इसमें हमें वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। और ये रहा कूलेंट रिजर्वायर, इसमें आपको 0.5 से 1 लीटर कूलेंट यूज़ करना पड़ता है। और ये रहा इसका रेडिएटर, इसको सामने से देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें बैटरी हमें सामने देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसके अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पर ये रहा इसका अल्टरनेटर। और ट्रैक्टर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टार्टर लगा हुआ है। बात करें इसके स्टीयरिंग के, तो इसमें हमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये रहा इसका स्टीयरिंग पंप, और यहीं से ही हाइड्रोलिक के लिए भी काम करता है। और ये रहा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर, और ये पाइपलाइन हाइड्रोलिक तक पीछे गई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें आपको स्टीयरिंग के लिए अलग से ऑयल टैंक भी देखने को मिलता है। इससे आपका स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस लंबे समय तक अच्छा रहता है और मेंटेनेंस भी कम लगता है। और इसमें आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। अगर इसके एक्सल को देखें, तो इसमें हमें नॉन एडजस्टेबल टाइप हैवी फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात करें इसके फ्यूल कैपेसिटी का, तो इसमें हमें मेटल का 50 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिलता है, जो कि आता है एक वाटर सेपरेटर और एक सुपर डीजल फिल्टर के साथ में। सुपर डीजल फिल्टर, इसका मतलब यह है कि इसमें आपको दो डीजल फिल्टर नहीं दिया हुआ है, ये एक ही डीजल फिल्टर दोनों का काम करता है। इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए आपको सिंगल फुट स्टेप दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ही सही पोजीशन पे है। ये रहा इसका डैशबोर्ड और प्लेटफॉर्म का लुक। यहाँ पर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख सकते हैं। इसमें आपको एक किनारे पर डिजिटल आवर मीटर भी दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रैक्टर कितने आवर्स चला है उसको बताता है। और बाकी सभी प्रकार के आपको इंडिकेशन मिल जाता है। और ये रहा इसका स्टीयरिंग का लुक। बात करें इसके स्विचेस का, तो इसमें हमें एयर कैप प्रोटेक्शन के साथ में ये स्विच देखने को मिलता है। ये रहा इंडिकेटर स्विच, और यहाँ पे आपको पार्किंग का स्विच, और ये एक्सीलेटर लीवर। और इस तरफ देखें तो ये रहा हॉर्न का, और ये अपर डिपर करने के लिए। और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है। और ये इस किनारे में ये इग्निशन की, और ये पुल टू स्टॉप बंद करने के लिए। और यहाँ पे आपको हेडलैम्प का स्विच दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा डिज़ाइन है इसके प्लेटफॉर्म का, ये लगभग फ्लैट प्लेटफॉर्म ही है। इधर ये रहा है ब्रेक पेडल, और इधर पे ये क्लच पेडल। इसमें आपको ये अलग से प्लास्टिक का कवर लगा के दिया हुआ है, जो कि आपका हीट से बचाता है। ये आपको दोनों साइड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में आपको ये पोजीशन कंट्रोल लीवर और ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दोनों देखने को मिलता है, जो कि ADDC टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। और इसमें आपको मिक्स कंट्रोल या ब्लेंडिंग कंट्रोल भी देखने को मिलता है, इसको आप दोनों को एक साथ मिक्स करके इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको PTO लीवर देखने को मिलेगा, जो कि लेफ़्ट साइड में है।
बात करें इसके गियर बॉक्स का, तो इसमें हमें फुल्ली कॉन्स्टेंट स्मैच गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि ओरिजिनल साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ देखने को मिलेगा। और इसमें हाई लो और इधर 1 2 3 4 और रिवर्स, मतलब इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर देखने को मिलता है। और इसका ये जो स्पीड लीवर है, इस तक आपका हाथ आसानी से पहुंच जाता है, इसको आपको लगाने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है। और इसका जो पोजीशन है थोड़ा सा नीचे में है। बात करें इसके क्लच का, तो इसमें हमें सिंगल और ड्यूल दोनों ही प्रकार के क्लच ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप दोनों में से कोई भी वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। ड्यूल क्लच वाले वेरिएंट में इसको आपको हाफ प्रेस करने पर आपका ट्रैक्टर के लिए काम करेगा और फुल प्रेस करने पर पीटीओ के लिए काम करता है। और सिंगल क्लच वाले वेरिएंट में सिंगल प्रेस करने पर ही दोनों के लिए काम करता है। इसको आप अपने आवश्यकता अनुसार खरीद सकते हैं। बात करें इसके ब्रेक का, तो इसमें हमें ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और ये रहा ब्रेक लॉक करने के लिए, इसको आप ऐसे पुल करके इस तरह से लॉक कर सकते हैं और इसको रिलीज भी कर सकते हैं। इसमें ब्रेक प्लेट हमें बाहर में देखने को मिलता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये बाहर में इस जगह पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इसमें ब्रेक प्लेट लगा हुआ है। और ये रहा इसका अरेंजमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात करें इसका सीट का, तो इसमें हमें नॉन एडजस्टेबल टाइप सीट देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ये आइसोलेटर वॉल्व देखने को मिल जाएगा और यही ट्रांसपोर्ट लॉक के रूप में भी काम करता है। और यहाँ पे आपको ब्रेक लॉक देखने को मिलता है। ऐसा है कुछ इसका प्लेटफॉर्म का लुक। बात करें इसके फॉरवर्ड स्पीड का, तो इसमें हमें 2.7 से 29.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिल जाती है। और रिवर्स स्पीड देखें तो इसमें हमें 3.5 से 10.9 किलोमीटर प्रति आवर की रिवर्स स्पीड देखने को मिलती है। इसमें आपको राइट साइड में मेटल का टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। और इसके फ्रंट में आपको 85 किलो का ये हैवी फ्रंट बम्पर देखने को मिलता है। बात करें इसके पीटीओ का, तो इसमें हमें 41 HP का पीटीओ देखने को मिलता है, जो कि सिंगल स्पीड स्टैंडर्ड 540 RPM के साथ आता है। और इसमें आपको मल्टी स्पीड और रिवर्स स्पीड पीटीओ का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि ऑप्शनल है, आप उस वेरिएंट को भी परचेस कर सकते हैं। और ये रहा इसका बैक व्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का, तो इसमें हमें 1600 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और इसमें हमें ADDC टाइप हाइड्रोलिक सेंसर देखने को मिलता है, जो कि 3-point सेंसिंग के साथ आता है। और यहाँ पर ये आपको 7-pin कनेक्टर भी दिया हुआ है। और ये रहा रिफ्लेक्टर। और इसमें आपको कंपनी फिटेड सिंगल ऑक्सिलरी वॉल्व देखने को मिलता है, जो कि आता है QRC कपलर के साथ में। इसमें आपको टेंडम टाइप पंप देखने को मिलता है, इसका मतलब इसी से ही हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग दोनों के लिए काम करता है। और ये रहा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर। और ये इसका पाइपलाइन, आप पीछे तक गए उसको देख सकते हैं। बात करें इसके रियर एक्सल का, तो इसमें हमें डबल रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ रियर एक्सल देखने को मिलता है, इसे इनबोर्ड रिडक्शन भी कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात करें इसके टायर का, तो इसमें हमें 6016 के फ्रंट टायर और 14928 के रियर टायर देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात करें इसके ऑयलिंग कैपेसिटी के, तो इसमें हमें 7.5 लीटर का इंजन ऑयल और 40 लीटर का हाइड्रोलिक और ट्रांसमिशन ऑयल यूज़ करना पड़ता है। ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक ऑयल दोनों ही कंबाइन हैं। और इसमें स्टीयरिंग के लिए अलग से 1.5 लीटर का ऑयल यूज़ करना पड़ता है। और ये कूलेंट, इसमें हमें 0.5 से 1 लीटर कूलेंट डालना पड़ता है। बात करें इसके डायमेंशन का, तो इसका वेट 2070 kg, इसका व्हील बेस 2060 mm, और इसका जो टोटल लेंथ है वो 3585 mm, और इसका जो चौड़ाई है वो आपको 1750 mm देखने को मिलता है। बात करें इसके वारंटी की, तो इसमें हमें
5000 घंटे या फिर 5 साल की वारंटी मिलती है जो भी पहले हो जाए। यहाँ पर ये सभी प्रकार के फ्यूज लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें कस्टमर के सुविधा को ध्यान में रखते हुए केयर टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। इसको आप यहाँ पर ये पुश बटन को 10 सेकंड तक पुश करके इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे आप कभी भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ परेशानी होगा ट्रैक्टर से रिलेटेड, तो आपको इस बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उधर कंपनी से फ़ोन आ जाएगा जो आपके छोटे मोटे परेशानी को वहीं से ही सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जो कि एक अच्छी बात है, ये सभी कंपनी को देना चाहिए। पावरटेक यूरो 47, इसका यहाँ छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस लगभग 7.5 लाख रुपए है। और यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में आपको लेवलिंग प्लेट देखने को मिल जाएगा, इससे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करके इसका आवाज़ सुनते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पांस भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। और आपके मन में हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो उसको भी बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।